आ गए फोटोज वीडियो साइड करने। समझ रहा हूँ भाई, आपके पापा है ना, उनको भी पता है कैलकुलेटर जो होता है ना उसमें आप फोटोज वीडियो साइड करके रखते हो, लेकिन आपको ये जो कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशन हुई या फिर और भी काफी सारी एप्लीकेशन होती है, ये भाई सभी को पता होता है कि इसमें जो है ना क्या क्या हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके कोई पेरेंट्स वगैरह भी है तो भी अगर आपके फोन में देखेंगे दो दो कैलकुलेटर डले हुए या फिर कोई और एप्लीकेशन डाल रखे है, वो समझ जाएंगे कि भाई हाइड कर रखा है, बोलेंगे कि भाई इसे खोल के देखा इसमें हाइड क्या कर रखा है। तो थोड़ा ना अब आपको डिफरेंट सोचना पड़ेगा फोटोज और वीडियोस हाइड करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको एप्लीकेशन दिखाने वाला हूँ, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन का जो साइज है वो सिर्फ 3 MB है और 3 MB में काफी बढ़िया काम करके दे देती है। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा ना, तो कोई भी अगर नॉर्मली आपके फोन में उंगली करेगा और देखेगा कि भाई ऑडियो मैनेजर से कोई ऐप है, तो यहाँ पर देखेगा वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल करने के ऑप्शन दे रखे हैं, सिस्टम वॉल्यूम, वॉइस कॉल वॉल्यूम, म्यूजिक वॉल्यूम, अलार्म का वॉल्यूम वगैरह, इस तरह से वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट करने के ऑप्शंस दिखेंगे। लेकिन एक्चुअल में जो है ना ये आपका फोटो वॉल्ट है, मतलब इसमें फोटोज वीडियोस या फिर फाइल्स को आप हाइड करके रख सकते हो। इसको ओपन करने के लिए ऊपर टाइटल दिख रहा ऑडियो मैनेजर, इसको लॉन्ग प्रेस करना होगा। फर्स्ट टाइम जब आप सेटअप करेंगे इसमें पासवर्ड बनाना होगा, तो यहाँ पर हम पिन बना देते हैं 1 2 3 4। तो इसके बाद यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इसको फिलहाल मैं स्किप कर देता हूँ और परमिशन दे देता हूँ इसको अपने फाइल्स की। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन पूरी रेडी हो गई। अब मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, कोई फर्स्ट टाइम खोलेगा ना इसको तो इस तरह से वॉल्यूम एडजस्ट करने का ऑप्शन दिखेगी। लेकिन अगर आपको अपने फोटोज वीडियोस हाइड करना है या फिर हिडन फोटोज वीडियोस देखना है, ऑडियो मैनेजर को लॉन्ग प्रेस करना, यहाँ पर अपना पिन एंटर करना, इसके बाद आपको वीडियोस का ऑप्शन दिखेगा, फोटोज और म्यूजिक का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आप इन सभी चीज़ों को हाइड कर सकते हो। यहाँ पर ऊपर आपको प्लस का बटन दिखेगा, प्लस के बटन पर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर मैं फोटोज सेलेक्ट कर सकता हूँ किन किन फोटोज को मुझे हाइड करना है। तो जैसे कि मैं ये 3 फोटोज सेलेक्ट कर लेता हूँ और हाइड फोटोज पर करता हूँ, तो अभी ये हमारे फोटोज में जाकर हाइड हो चुके हैं। अब मैं अपनी गैलरी वगैरह में ओपन करके दिखूंगा तो यहाँ पर कोई भी ये फोटोज वगैरह नहीं देखेंगे, एकदम हिडन हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसी तरह मैं वीडियोस में जाऊँ और यहाँ पर भी कोई फिलहाल ऐड नहीं है, प्लस करता हूँ और यहाँ पर एक वीडियो को मैं हाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हाइड वीडियोस करा और मेरे अब फोटोज में आपको 3 फोटोज दिख रहा है हिडन और वीडियोज में दिख रही है 1 वीडियो हिडन। अब इसको मैं अनहाइड करना चाहूँ, फिर से लॉन्ग प्रेस करूँगा, अनहाइड कर सकता हूँ, रिस्टोर कर दूंगा और ये हमारी फोटोज और वीडियोस अनहाइड हो जाएंगे। मतलब यार अब तो आप समझदार हो, ये आपको पता ही है किस तरह से हाइड करते हैं, किस तरह से अनहाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेटिंग्स दिखाऊँ तो यहाँ पर हिडन मीडिया का पाथ दिख जाएगा। अब ध्यान रखना, इस पाथ पर जाओगे तो डायरेक्टली फोटोज वीडियोज भी आपके विजिबल हो सकते हैं अगर सेटिंग्स वगैरह हिडन वाली ऑन कर रखी है तो अपने फाइल्स मैनेजर की। इसके अलावा पिन चेंज करने का ऑप्शन दिख जाएगा और बाय एनी चांस आपसे एप्लीकेशन जो है डिलीट हो जाती है और आपके फोटोज वीडियोस हिडन थे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वापस से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, पिन एंटर करना, उसके बाद आपको फोटोज और वीडियोस का फोल्डर दिख जाएगा, वहां पर आपको हिडन फोटोज वीडियोस दिख जाएंगे और उनको सेलेक्ट करके अनहाइड कर सकते हो या फिर वापस से फोटोज वीडियोस हाइड कर सकते हो। तो यार वो कैलकुलेटर वाला जमाना जा चुका है, काफी लोगों का पता है, तो इसलिए मैंने सोचा आपको नया तरीका बता देता हूँ फोटोज और वीडियोस को हाइड करने का। तो ये काफी सिंपल है और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट में बता सकते हो, बाकी इसमें और भी कुछ फीचर्स ऐड होने वाले हैं वो भी आप जाकर ट्राई कर सकते हो। फिलहाल ऐसी काफी सारी और भी वीडियोस आने वाली है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टाइटल दिख रहा ऑडियो मैनेजर, इसको लॉन्ग